हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी सूवी। क्या हाल चाल है? बहुत सारी फिल्में एक साथ लग गई हैं थिएटर्स के अंदर, तो सबके बारे में बात करेंगे हम पोन्नियिन सेल्वन के बारे में बात करेंगे, हम विक्रम गीता के बारे में बात करेंगे, और कांतारा के बारे में बात करेंगे, फिर हम गॉडफादर के बारे में बात करेंगे, द घोस्ट के बारे में बात करेंगे, फिर रॉशैक के बारे में बात करेंगे, गुड बाय के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे हिंदुत्व के। और ये बहुत सारी फिल्में हो जाती हैं और इतना कुछ इसके पैसा कमा रही है, बस पाया ही पाया आ रहा है एग्जीबिटर्स के पास, जो बहुत टाइम से बंद पड़े थे बेचारे। कौन सी मूवी बहुत अच्छा कर रही है, कौन सी गड़बड़ हो गई है, उन सब के बारे में बात करेंगे। पहले थोड़ी गड़बड़ वाली मूवीज के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड बाय, जिसका डे टू है आज, वो काफी बुरे तरीके से पिट रही है। ये मूवी ठीक ठाक एक्सपेंसिव है, 40 odd crore रुपीज में बनी है। डे टू का जो कलेक्शन है 1.5 crore है, और इससे पहले इसने जो कलेक्शन किया था वो किया था 1.5 crore, तो टोटल सिर्फ 3 crore रुपए ही हो पाया, विच इज अ ट्रबल एरिया, एंड डजंट लुक लाइक इट विल इंक्रीज फर्दर। तो OTT के वजह से ही अपने जो पैसे रिकवर करेगी, सो करेगी। अदरवाइज रश्मिका मंदाना का अगर हम ये बोले कि हिंदी डब्यू कोई बहुत राइट फिल्म से नहीं हुआ है, वहीं पर अगर हम बात करें हिंदुत्व का, तो इसका डे टू का जो कलेक्शन है वो भी सिर्फ 90 लाख रुपए है। आई थिंक लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का कॉन्टेंट है थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है, जिस वजह से लोगों ने इसको देखना पसंद नहीं किया। बहुत से लोग ये मानते हैं कि हिंदुत्व जैसा टॉपिक जो है वो जरूर पता होना चाहिए लोगों को, बट थिएटर में जाके तो उन्होंने भैया टिकट खरीदी नहीं। अब अगर हम बात करें और मूवीज की जो थोड़ा सा ठीक नहीं कर रही हैं, वो है द घोस्ट, जो कि नागार्जुना की मूवी है। डे फोर का जो कलेक्शन है सिर्फ 1 crore रुपए रहा है। कल भी 1 crore ही किया था, 5.5 crore रुपए कल क्लोज किया था, अब सिर्फ 6.5 crore रुपए, 6.6 crore रुपीज टू बी प्रिसाइज इसने किया है, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 8.5 crore ग्रॉस है। तो ज्यादा एक्साइटिंग नहीं है, ये भी थोड़ा सा फ्लॉप श्लॉप सी हो गई है। अगर हम आगे और चले, उसी पास कैसी मूवी है जो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर रही है और मैं उसके बारे में बात करूंगा, वो है रॉशैक। और ये ममूती की जो मूवी है ये थोड़ी सी ट्विस्टेड है, पर जिस तरीके से सेकेंड हाफ में थोड़ी स्लिप करती है, ज्यादा रुझान लोगों का नहीं आ रहा है। डे टू का जो कलेक्शन है वो लगभग 3 crore रुपए, कल इसने 2.25 crore रुपए करे थे और अब हो गया है 3.25 crore रुपए। लेकिन अच्छी चीज ये है कि फॉरेन मार्केट से इसको उतना ही कलेक्शन आ गया जितना डोमेस्टिकली आया, हालांकि सिर्फ मलयालम में सिर्फ रिलीज हुई थी। तो टोटल मिला के जो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो है 9 crore रुपीज, और इंडिया कलेक्शन जो नेट है वो 3.25 crore रुपीज है, 4 crore रुपीज ग्रॉस कलेक्शन है। अब जो मूवीज अच्छा कर रही है, जो ठीक ठाक बिजनेस कर रही है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं विक्रम वीदा की, जो कि 3 दिन से लगातार 3 crore रुपए पे अटकी हुई, 3 crore रुपए कर रहे हैं। कल 63 crore कर रहे थे, अब 66 crore हो गए, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 114 crore रुपीज। जी हाँ, थिएटर के अंदर इतना कमाल नहीं करिए, बट मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के आपको बता चुका हूँ कि आजकल कोई भी मूवी घाटे का सौदा नहीं होती है, नहीं तो सब लोग अपनी दुकानें बंद करके बैठ चुके होते। इसको थिएटर में एक स्पेसिफिक फिगर अचीव करना था, विच वॉज क्लोज टू 70 odd crore रुपीज, टू बी इन अ सेफ जोन, जो ये जा चुकी है। अब अगर हम बात करें कांतारा की, तो डे 9 का जो कलेक्शन है इसका वो करीबन है 7 crore रुपए, कल 5.5 crore रुपए किया था, 45 crore रुपीज के आसपास था, और ये इंक्रीज होता ही चला जा रहा है, तो 52 crore रुपीज हो गया, और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसकी 70 crore रुपीज हो गई है। हिंदी का जैसे ही आएगा वर्जन, मेरा पर्सनल मानना है इस मूवी को अच्छा जंप मिलेगा और 100 crore ये पार कर जाएगी। और वहीं पर ही अगर हम बात करें ओल्ड इज गोल्ड की, तो जो मेगा स्टार चिरंजीवी और साथ में मेगा स्टार सलमान खान की मूवी जिसका नाम है गॉडफादर, उसका जो डे 4 का जो कलेक्शन रहा है वो 9 crore रुपए से इंक्रीज हो गए 14 crore रुपीज हो गए, और ये मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है कि ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये एक मूवी आउट एंड आउट रीमेक है लूसिफर मलयालम मूवी का, लेकिन फिर भी लोग इतना प्यार कर रहे हैं। तो 42 crore रुपीज से इंक्रीज होकर इसका जो कलेक्शन है वो हो गया 56 crore रुपीज नेट, और 70 odd crore रुपीज इसका हो गया वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अगेन द मैजिक ऑफ स्टार्स, द कॉन्फिडेंस दैट द पब्लिक हैज, द लव दैट दे आर शावरिंग ऑन दीज टू जेंटलमैन इज आई डोंट नो व्हाट टू से हियर ओनली। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें लास्ट में पोन्नियिन सेल्वन की, जो इन सब में से मुझे सबसे बेटर मूवी लगी थी, मेरी पर्सनल चॉइस है, लोगों की अलग अलग हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि काफी बेटर मूवी है, और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो गया 375 crore, वेरी सून इट विल एंटर 400 crore एंड जॉइन ब्रह्मास्त्र, सो टू से। एंड टुडे द बिग न्यूज इज दैट
क्रॉस 200 करोड़ रुपीज नेट फ्रॉम 184 करोड़ रुपीज विच वाज यस्टरडे। तो कल 9 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था इसने, आज 16 करोड़ रुपए के साथ इसका जो ग्रॉस कलेक्शन है 240 करोड़ रुपीज हो गया और नेट 200 डॉट हो गया है, डबल सेंचुरी मार दी है। और 400 का जो आंकड़ा है वो मेरे ख्याल से कल तक नहीं तो परसों मंडे तक पार हो ही जाएगा। तो ये था अपडेट बहुत सारी मूवीज का, बहुत जल्दी जल्दी मैंने बिना कोई बकवास करे आपको देने की कोशिश करी है। अपना जो फॉर्मेट रहता है इसी तरीके का रहता है ताकि आप बोर ना हो। अब गुड बाय के ऊपर हम एक कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस करेंगे कि इसको कितना घाटा होगा, फायदा होगा, क्या होगा। एक डेटा पॉइंट की मैं वेट कर रहा हूँ, वो आएगा तो फिर कल आपके साथ शेयर करेंगे। बाय बाय।